हेलो एवरीवन, सो अभी दोपहर हो रहा है और आज मैंने शैम्पू किया था तो मेरे बाल अभी ड्राई नहीं हुए और मौसम आपको बाहर दिख रहा होगा, सनी हो चुका है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, मटका में पानी भरना स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी परसों ये नया मटका लेकर के आई। सो बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ सोया चाप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, अगर हो सका तो। मैं पूरा कम्प्लीटली कोशिश करूँगी शेयर करना, वरना उसे मैरिनेट कैसे करते हैं और बता दूँगी। सो बस आज लंच में बना है आलू, और आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने और राइस बनाया है, क्योंकि आज को ज़्यादा बनाने का मन नहीं था, क्योंकि शाम को बच्चों को बाहर से कुछ खाना है और सोया चाप भी बनाना है। मैंने आज ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सो बस यही है आज का अपडेट। एंड मैंने बहुत ही सुंदर सा, समर स्टार्ट हो गया एंड समर वाले नेल पेंट भी लगा लिए। अभी अभी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो शूट किया और फ्रेश होकर बैठ गई, मतलब मेकअप उतार लिया, एक छोटा सा वीडियो शूट करना था, सो वो करके बस फ्री हुई हूँ। और मेरे बालों की हालत इतनी बुरी हो रही है कि पता नहीं, मैंने कितने टाइम पहले आपको बताया था कि मैं पार्लर जाने वाली हूँ हेयर कट लेने के लिए, बट जा ही नहीं पा रही हूँ। सो मैं सोच रही हूँ इस बार पार्लर जाऊँ हेयर कट के लिए, तो साथ में बालों के लिए स्पा ले लूँ या कोई ट्रीटमेंट हो तो वो भी ले लूँ, क्योंकि बालों में कोई शाइन नहीं है। जिसमें आज मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर किया है, फिर भी मैं ज़्यादा हीट यूज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी थोड़े फ्रिजी एंड रफ से हैं इसलिए। एंड बच्चों टीवी देख रहे, छुट्टियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और टुकू के दो दिन बाद क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं और टेंटेंट के 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले। तो ये है बस छोटा सा लाइफ अपडेट। और बहुत तेज भूख लग रही है, बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो साथ में लंच करे। और टुकू यहाँ लंच कर रहा है, मैं दिखाती हूँ वो कैसे खा रहा है बैठ करके। सो टुकू यहाँ सोफे पे बैठ के खा रहा है, क्योंकि वो कुछ यहाँ पे प्रोग्राम देख रहा है और यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है। और मैंने बताया था आज राइस है लंच में, बहुत सिंपल सा लंच है, क्योंकि हमने सुबह बहुत ही हैवी पराठे खाए थे। यस, गिर जाएगी। सो यहाँ मैंने ये ले लिया है, ये हंकर्ड है, दही का पानी निकाल के लिया है मैंने। एंड इसमें अभी जाएगा 1 चम्मच ये काला नमक है, ये ब्लैक सॉल्ट गया, एंड 1 स्पून इसमें वाइट सॉल्ट जाएगा, ये वाइट सॉल्ट, वन स्पून गरम मसाला है, ये गरम मसाला गया, ये ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक एंड लहसुन हरी मिर्ची का चटनी है ये, गैस में 2 चम्मच के करीब, थोड़ा तीखा तीखा चटपटा चटपटा बनाएंगे ये 2 चम्मच। ये कस्तूरी मेथी है जिसे हम घिस के डालेंगे, आधा नींबू, ये काजू पेस्ट है, काजू का पेस्ट, मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच काजू पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 2 एंड ये 3 चम्मच के करीब काजू पेस्ट। सारी चीज़ों को हम करने वाले हैं अच्छे से मिक्स। मैं फ्रोज़न लेके आई थी, मुझे डीमार्ट में मिल गया था, मैंने इसे बहुत देर पहले निकाल दिया और ये नॉर्मल टैप वाटर में रख दिया है, और उसका स्टिक खींच के निकाल देंगे। यहाँ एक मैंने निकाल के रखा हुआ है, सो इसका स्टिक मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसे चॉप करके इस मैरिनेशन में ऐड करने वाली हूँ, तो अभी निकाल के फिर मिलती हूँ। मैंने उसे काट लिया, चॉप करने के बाद कुछ इस तरीके के पीसेस रखे हैं सारे ही, कुछ ऐसे, और ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। सो ये रहा मेरा मैरिनेशन, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, हाथों का इस्तेमाल, हम इसे करने वाले हैं कवर, इसे ढक के मैंने छोड़ दिया है, मैरिनेट हो गया, मैंने 1 घंटे इसे छोड़ दिया था,
कुछ इस तरीके का ये भी हो चुका है। और मैं ओटीजी में करने वाली हूँ, तो वायर रैक में वायर्स पे इस तरीके से लगा रही हूँ। और मैंने अपना ओटी यहाँ पे 220 मेरे में है, 250 पे किया है, बोथ रॉड्स ऑन किए हैं एंड 10 मिनट्स के लिए प्री हीटिंग में डाल। हे गुड मॉर्निंग, तो ये है नेक्स्ट डे एंड आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है अप्पे, जो कि लेस ऑयल के साथ मैं अपना बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कुक होने में। एंड सबको मैंने अप्पे खिला दिए हैं और ये मेरे अप्पे बन रहे हैं। सो ये रहे मेरे अप्पे और मैं चली अपना ब्रेकफास्ट करने विद ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बना रखी है मैंने एंड प्लीज इग्नोर मेरे बाल वाल को करना, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी हो रही थी। सो मैंने बाल ऐसे बर्न जैसा बना ली गर्मा गर्म अप्पे और मैं उसे एंजॉय करने वाली हूँ ग्रीन चटनी के साथ। एंड ये टिनटिन से हेलो, अब वो हेलो नहीं कर रहा है। सो मेरे घर के काम हो गए हैं, नाश्ता हो गया, मतलब नाश्ता बना दिया, सबको करा दिया है, लंच भी बन चुका है और थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, वो मस्ती कर रहा है। सो वो मैं आराम से करूँगी, अभी बहुत टाइम है। एंड क्लीनिंग हो गया है, हाउस हेल्पर आकर के जा चुकी हैं, तो बर्तन एंड वो डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुका है। बस अभी बर्तनों को रखना है और छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वो चलता रहता है। कल मैंने एक छोटा सा डाला था टुकू के हाथ का, वो डाला था मैंने शॉर्ट्स, उसमें कॉमेंट आया मुझे कि ऐसे ऐसे वीडियो नहीं देखना है। सो मैं ट्राई करती रहती हूँ एंड मैं ना पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा वीडियो भी शूट करती हूँ, बट मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसे नहीं डालती हूँ। तो फिर से क्वेश्चन है कि सर्वाइकल पेन वाला एंड कॉलर से रिलेटेड वीडियो डाले। सो कॉलर मैं बहुत कम पहनती हूँ, जब मुझे बहुत तेज पेन होता है एंड मुझे लगता है कि अब मुझे सच में उसे वेयर करना चाहिए तभी मैं पहनती हूँ। एंड दर्द का क्या है, दर्द वैसा ही है जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और दर्द मुझे कब होता है जब मैं कुछ तरीके का काम कर लेती हूँ जो मेरे नेक को, मुझे मतलब नेक या आर्म से रिलेटेड होता है, मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा डस्टिंग कर लिया या ज़रूरत से ज़्यादा रोटियाँ बना ली, आटा गूंथ लिया, जो नेक से रिलेटेड काम होता है, तब मुझे पेन वापस स्टार्ट हो जाता है। एंड मैं टू व्हीलर से भी जब ट्रैवल कर लेती हूँ और ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर हो जाता है। सो मेरे नेक में यहाँ पे अभी भी मेरे को कैमरा होल्ड करने में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट मैं शायद अब यूज़ टू हो चुकी हूँ तो ये मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे मेरे अभी पेन रहता है एंड मेरे राइट हैंड के दो फिंगर्स में, ये जो दो फिंगर्स होते हैं ना, अब इनमें भी पेन रहता है, बहुत थोड़ा थोड़ा रहता है। बट हाँ, जैसे मैं चॉपिंग कर रही होती हूँ तो मुझे इसमें पेन का एहसास होता है, या कोई सडन प्रेशर अगर इन दो फिंगर्स पे आ जाता है तो मुझे थोड़ा अनईजी फील हो जाता है। बट यही है थोड़ा सा मेरे लाइफ का अपडेट एंड मैं कल का और आज का मिला करके एक ब्लॉग बना दूंगी। प्लीज़ अभी इतना ही देख लो, क्योंकि आगे मैं थोड़ा थोड़ा और कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा अपडेट करती रहूं। सो ये मेरे अप्पे हो रहे हैं ठंडे, सो मैं इन्हें इंजॉय कर लूं एंड बहुत टेस्टी होते हैं, मेरे फ्लैट हो गए, मेरा लास्ट में अप्पा बनाना तो वो थोड़े से फ्लैट फ्लैट से बने हैं। एंड बच्चों के स्कूल बैग्स आ गए हैं एंड उनके नोटबुक्स वगैरह पे जो कवर होता है वो काम स्टार्ट हो चुका है। टुकू का स्कूल रीओपन हो चुका है, टिनटिन का 10th को होगा, तो टुकू को आज स्कूल जाना था बट हमने कहा कि अब मंडे से ही कंटिन्यू करते हैं, यूज़ टू हो जाएंगे जब तक बच्चे, कुछ उसकी चीज़ें भी बची हुई थी नोटबुक वगैरह पे थोड़ा बहुत कवर है। और इस बार मैंने नहीं लगाया है, हर बार मैं लगाती थी एंड मेरे लगाने से लास्ट ईयर भी मुझे काफ़ी पेन होने लग गया था। सो इस बार मैंने नहीं लगाया, टुकू ने खुद ने लगाया है और बहुत अच्छे से लगाया है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि टुकू को लगाना आ गया है। तो अभी टुकू टिनटिन का भी पूरा टुकू ही लगाने वाला है। टिनटिन के अभी बुक्स वगैरह नहीं आए हैं, आज प्लान है कि आज उसके भी ले आऊँ, तो फिर टुकू हेल्प कर देगा। इस बार टुकू के ट्रांसपेरेंट वाले कवर्स आए थे तो वो इजी भी थोड़ा है, और अभी देखते हैं क्या होता है। टिनटिन में टुकू कितनी हेल्प करवाता है, क्योंकि वो मंडे से स्कूल चला जाएगा तो मैं सोच रही हूँ 2 दिन है मेरे पास तो मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और वो यही बैठा हुआ और मेरी सारी बातें सुन रहा है और वो सोचेगा ओह मम्मा के ये प्लान्स है। सो बस यही है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।